चलो यहाँ पे थोड़े से पकाएंगे। मैंने पूरा खींच दिया पहली बार इस रोड पे। पटाखे सुनना कल रात को भी बच्चे हमारे घर पे आ गए थे। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है दीदी डर गई, वो कान बंद हो गए दीदी के। यहाँ आगे इसके नंबर प्लेट लगेगी, आगे वाले नंबर प्लेट यहाँ। तो चलो यार, इसकी कैमरे की बैटरी भी कम है, तो निकलते हैं यहाँ से घर से और सीधा जल्दी से, टाइम वैसे भी वेस्ट हो रहा है, लेट हो गए हम, तो सीधा मिलते हैं रोड पे। रोड पे क्या चालू है, मैं इसको छोड़ के गया था घर के बाहर, कम से कम लाइक 42 टेम्परेचर था, घर के बाहर खड़े खड़े 52 हो गया, लाइक वाओ। अरे यार यहाँ तो शनिवार लगा है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, बहुत भीड़ मिलेगी। ये रहा कॉलेज सामने, लेकिन बहुत पहले छुट्टी हो चुकी थी, वरना आपको रिएक्शन दिखाते जाते यहाँ से, क्या करें यार। दीदी डर गई, वो देखो भाई देख रहे हमारे वहाँ से, लड़कों के सबसे प्यारे रिएक्शन, जो मर्जी कर लो बच्चों के भी। हाय बाय 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 बाय, बाद में सॉरी। आजकल बच्चे बड़े फैन हो रहे हैं। कल रात को भी बच्चे हमारे घर पे आ गए थे बड़े सारे, ऐसे ही मिलने के लिए कि भाई भैया बाइक की आवाज़ सुना दो थोड़ी सी, उनको बाइक का की आवाज़ सुनाई फिर जाके भेजा उनके घर। बड़ा मज़ा आता है ऐसे बच्चे मिलने आते हैं ना, मम्मी के लोग छोटे छोटे बच्चे मेरे दोस्त हैं। अच्छे रिएक्शन मिलते, मैंने उनकी वीडियो बनाई है तो मैं डाल दूंगा। यहाँ पे बच्चे बाहर खड़े हुए हैं तब से, आ गए आ गए आ गए भैया आ गए। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है भाई। बाइक देखने में इनको चल चल अंदर चल अंदर चल अंदर चल अंदर चल इनको बाइक देखनी, बाइक आओ अंदर आओ आओ अंदर आओ, नहीं आ रहा ये लो, नहीं काट रहा नहीं काट रहा कैमरा ना अगली मोक्ष भारती भगवान। बच्चे क्या यार बच्चे, वापस घूम फिर के जहाँ से निकलता वहीं आ गया मैं। भाई इतनी गंदी वाली लू चल रही है ना, कसम से पूछो मत, इतनी गंदी वाली हवा पड़ रही है हाथों में, गर्म गर्म। जगह है क्या, है तो सही जगह, लेकिन दीदियाँ चल रही है। ये ट्रक है यार आगे, अब यार ये अलग सीन है इनका।
अड़ जा बेटा है, अड़ जा। कैसे देख रहा हमारा भाई। आंटी देख रही है वहां से। कैसे कैसे रिएक्शन मिलते हैं भाई। हाँ यार कुत्ते तुम आ जाओ, मुझे 2 मिनट लगे हंसकी वाला। हाँ, मज़े अलग आ गया। बस दोपहर में बड़ी गंदी हवा भी चल रही है और धूप भी लग रही है। बहुत अच्छा है मेरा शीशा टिंटेड है, वरना पटाके सुनना। तो भाई यार हमारे कैमरे की बैटरी बहुत कम है, तो मुझे सोच समझ के यूज़ करना पड़ रहा है। 50% में लाया मैं, 40% पे लाया मैं, 50% हुई तो भी थोड़ी दिक्कत कम होती, लेकिन पटाके सुनना अब। पटाखा पीछे से एकदम सभी आग निकली थी, पता लग जाता है आवाज से कितनी आग निकली कितनी नहीं निकली। वाह, मैंने पहली बार आराम से मोड़ा है, लाइक बिना गिराए मोड़ पे, ऐसे मोड़ पे, वो भी गाड़ी के डर से कि गाड़ी पे नहीं लग जाए, वरना मैं ना तोड़ता फोड़ता जरूर। थार बड़ी अच्छी लग रही, लाल रंग की, ऊपर से गाय सामने है और डर लगता देख के। गड्ढे तो ऐसे ऐसी जगह पे हैं, पूछो मत। इसके घर निकले हैं, घर से वापस आएंगे। वाह 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 यार, एक चीज बता, गाड़ियों के आगे चाकू क्यों लगा होता है? क्या है चाकू, क्या है, कौन से सर्विस वालों की बाइक है, किसकी किसकी गाड़ी है ये? चलो यहाँ पे थोड़े से पकाएंगे। भाई कभी कभार ना क्या होता है कि भाई लोगों को ना पता नहीं चलता कि हमारी बाइक आ किस तरफ से रही है, तो इन कभी कभार लगता है भाई बंदा गूंजती आवाज पीछे, तो इनको लगता है कि भाई गाड़ी ना लेफ्ट साइड राइट साइड रही है, अपने मन माए मतलब इनको जो लगता है उस हिसाब से गाड़ी राइट में ले लेते हैं ये लोग, और हम आ रहे होते राइट से तो लग भी जाती है कई बार। मैंने पूरा खींच दिया पहली बार इस रोड पे। ओ गाड़ी आ गई। ओ कान बंद हो गए दीदी के। यार अच्छा नहीं लगता ऐसे तंग करते लोगों को, लेकिन मैंने पहले कह रहे फुल खींच दिया इस बार। इसे घर पहुंचते पहले फिर निकलते, एक चीज बता दे मेरे को, इसकी वो भी लेनी है। वाह 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 वा। पटाखे देखो पटाखे। ओ हो, कितने गंदे वाले पटाखे बज रहे भाई इसमें। ओ फक, इस बार मैं फिर से डाल दूंगा फर्स्ट गियर की टॉप स्पीड कितनी थी, क्योंकि सारे के सारे पहले गियर में था, कोई दूसरे तीसरा गियर मैंने चेंज नहीं किया। हाय 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 हाय, पटाखे लो कहाँ गए से घर में, भूल गया, लड़का देख रहा है। चलो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में आकर पहुंच के। यार एक तो इसकी आगे वाली नंबर प्लेट भी अच्छी है, यहाँ आगे इसकी नंबर प्लेट लगेगी, आगे वाली नंबर प्लेट यहाँ तो नहीं लगेगी मेरे ख्याल से, यहाँ लगेगी। और पीछे देखो लड़के देखते जा रहे हैं, पीछे वाली भी चेंज करानी है, ये नंबर प्लेट चेंज होगी असली, ये स्टिकर वाली नंबर प्लेट है, ओरिजिनल नहीं है, जो होती है ना प्रॉपर एनग्रेव्ड वाली वो वाली नहीं है। सीधा निकलते फिर यहाँ से, काम भी हो गया हमारा। अब सामने मेन रोड आएगा तो वहाँ से थोड़ा सा भगाते लेके जाएंगे। वाह वाह वाह, 104 टेम्परेचर हो गया था, अभी कम होने लगा था। कोई व्हीकल व्हीकल ना आ रहा हो, बड़ा डर लगता है सारी रोड पे मेरे को। ओ पटाखा देखा, ओ
ना। ओ पटाखे पटाखे, आंटी देखने लग गई। लौंडे कैसे देखते हैं भाई, इसके नंबर प्लेट लगवाने हैं, बड़ी दिक्कत वाली बात है। आंटी डर गई, कुत्ता डर गया, सॉरी। अब देखो, ओ कहा था ना, देखो मुझे पता था ऐसा पटाखा बजेगा। थोड़ा लंबा खींच के एकदम से थोड़ा छोड़ दो ना, डब करके बच पटाखा बजता एकदम पीछे से। अरे छोटी सी राइड, 2 घंटे लगा दिए, मतलब उसके घर थोड़ी देर रुका था मैं। हाँ भाई, उसमें इतना टाइम लग गया। बाकी भाई अब सीधा घर जा रहे हैं हम। एक ये काम करवाना है कि इसमें नंबर प्लेट लगवानी है, और पता नहीं क्या मैंने किया था नंबर प्लेट अप्लाई करने की कोशिश, ऑनलाइन तो मेरे से हुई नहीं। अब वहाँ जाके स्टिकर लगवाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ओरिजिनल तो पता नहीं, ऑनलाइन ही आती है, पता नहीं कहाँ से करवानी पड़ती, मुझे भी नहीं पता। या तो देखते हैं मिलती नहीं मिलती। खड्डे, फक खड्डा तो ऐसी ऐसी जगह पे है ना, पूछो मत। हॉर्न सुनाई भी नहीं दे रहा। चलो यार, आगे गाय हैं तो थोड़ी स्लो कर लेते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ये थोड़ी हाइपर राइडिंग थी भाई, प्यार से तमीज से एकदम बच्चों। भाई किस दिन लात मारती ना भाई, इतनी तगड़ी गाय ऊपर से एक लात पड़ गई, हम गए। वीडियो पसंद आ गया मेरे बता देना कमेंट सेक्शन में, ना ही हो तो भी बता देना। तब तक मिलते अगली वीडियो में, गुड बाय।